नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी और पीसीएस के लिए जो बुक इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो आपके लिए आपको लेना चाहिए अगर आप यूपीएससी और पीसीएस लेवल की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो बुक मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि पीसीएस के लिए कौन सा बुक बेहतर होगा और साथ में यूपीएससी की भी तैयारी इन सब बुक से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे सबसे अच्छा बुक लगता है कि आपके पास कौन सा बुक होना चाहिए, पहले जीएस पॉइंटर, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि ये बुक किस प्रकार का है। लिंक मैं दे दूंगा आप लोग को। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं जो भी आपने स्टडी किया होगा, टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर बुक भी आपको लेना होगा तो बुक भी आप किन किन चीज़ का लीजिएगा, हिस्ट्री का लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का लीजिएगा, भूगोल का लीजिएगा, कृषि का, सामान्य विज्ञान का, पर्यावरण का, आर्थिक सामाजिक विकास का, और ये यूपी पीसीएस के बारे में, यूपी पीसीएस के लिए अच्छा बुक होता है। तो यूपी के स्टेट के बारे में भी आपको जानना होगा। पीसीएस मतलब स्टेट का जो पीसीएस होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे बीपीएससी होता है, और इसके अलग अलग बुक भी आते हैं पूर्वालोकन के नाम से। तो जो पूर्वालोकन में क्या होता है कि थ्योरी दिया होगा, कुछ नोट्स बनाया होगा, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया होगा। तो पूर्वालोकन भी आप ले सकते हैं। पूर्वालोकन आपको अलग अलग मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएंगे पूर्वालोकन। जैसे ये सामान्य ज्ञान का हो गया, ये देखिएगा पूर्वालोकन, पर्यावरण परिस्थिति का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया पूर्वालोकन, तो इसके इंग्लिश में भी बुक मिलेंगे, भारतीय इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, तो इसके अलग अलग बुक भी आप ले सकते हैं। बट अलग अलग बुक नहीं लेना चाहते तो इसी बुक को ले लीजिए। इसमें क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा वही क्वेश्चन आपको इससे सेम बुक में देखने को मिलने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होता है। ठीक है, तो सेम बुक में आप चाहे तो कवर कर सकते हैं। तो घटना चक्र का जो जीएस पॉइंटर है वो तो पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र हर स्टेट के लिए पीसीएस का बुक निकालता है, जो कि बहुत अच्छे बुक होते हैं। पूर्वालोकन भी ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा पूर्वालोकन लेने के लिए। उससे अच्छा मैं आप लोगों को बोलूंगा दृष्टि पब्लिकेशन के जो बुक आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उससे आप ले लीजिए, वो भी ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पीसीएस का सिलेबस होता है, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, लगभग एक ही जैसा सिलेबस होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बाकी तो निकल ही जाएंगे। और साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपको स्टेट पीसीएस का जो होता है ना, वो भी घटना चक्र निकालता है। घटना चक्र जैसे आपको टॉपिक वाइज बुक निकाल के देता है, जैसे बीपीएससी का हाल फिलहाल में एग्जाम था तो घटना चक्र ने एक बुक निकाला था बीपीएससी के लिए, जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिला था। तो जब भी आपका एग्जाम हो तो उस बुक आप ले सकते हैं पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिविजन करने के लिए। ठीक है ना, मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी वो कौन सा बुक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें दृष्टि पब्लिकेशन के बुक के बारे में, तो दोस्तों ये बुक मुझे बहुत अच्छा लगता है, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीलिम्स से प्रैक्टिस से सीरीज, मतलब यहाँ पे आपको ये आप थ्योरी के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है, थ्योरी के भी ले सकते हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज है, छः बुक का कलेक्शन है, चाहे तो आप इनको ले सकते हैं, बट ये लेटेस्ट है जो पब्लिकेशन होगा उसको लीजिएगा। ठीक है, यहाँ 9 बुक का भी है, देखिएगा किताब है, ये पुस्तकें हैं, ये प्रैक्टिस सीरीज नहीं है। तो आप इनके चाहे तो 9 बुक जो होते हैं प्रीलिम्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो इसको भी आप ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में आपको, ठीक है, डिटेल में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक एक बुक को, आप देख लीजिएगा इन सब बुक को। अब टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर टॉपिक वाइज ये बुक है, तो इनको ले सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए एनसीईआरटी बेस्ड भी इनके बुक आते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा राज्य व्यवस्था का है, हिस्ट्री का है, उसके बाद विश्व भारत एवं भूगोल का है, सामान्य विज्ञान का है, ऐसे ही आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान का भी बुक मिलेगा। तो इनके एनसीईआरटी बेस्ड बुक भी आते हैं, सस्ते बुक होते हैं, बहुत अच्छे बुक होते हैं, तो आप इनको भी ले सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी भी देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा बुक होता है, आप जल्दी से कवर कर सकते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि पीसीएस प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है, पीसीएस मेंस में भी काम करेगा, प्रीलिम्स में भी काम करेगा। दृष्टि पब्लिकेशन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा बुक होता है, आप इनसे तैयारी कर सकते हैं पीसीएस के एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड आप लीजिएगा, क्योंकि जो सिलेबस होता है 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी का ही सिलेबस होता है यूपीएससी या फिर प्रीलिम्स से जो एग्जाम होता है पीसीएस का उनमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पूर्वालोकन के बारे में बता दिया, और ये जो बुक मैं बता रहा हूँ जीएस पॉइंटर घटना चक्र का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसे आपने देख लिया होगा।
अब हम बात करते हैं बीपीएससी का जो बुक था वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बीपीएससी जो बुक आया था प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र का, ठीक है, प्रीलिम्स बीपीएससी प्रीलिम्स घटना चक्र मैं देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। बहुत अच्छा बुक था दोस्तों, मेरे पास है अभी वो बुक है, और मैंने शायद उस पर वीडियो भी बनाया था, घटना चक्र, ठीक है। ये देखिएगा, सामान्य अध्ययन हो गया, पूर्वालोकन हो गया, तो ये टॉपिक वाइज हो गया, ठीक है, टॉपिक वाइज हो गया। और उत्तर प्रदेश का घटना चक्र के अलग अलग बुक आते हैं, एक है आपको बीपीएससी मतलब जो भी स्टेट पीसीएस होगा उसके लिए भी आपको रिवीजन के लिए बुक आ जाएगा, प्रीलिम्स के लिए। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वो कवर करते हैं। हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मुझे मिलता है तो मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ अभी मुझे शो नहीं कर रहा है, पर बुक अच्छा था। ऐसे तो बीपीएससी का एग्जाम खत्म हो गया। कुल मिला के मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप जो अभी मैंने बुक दिखाया आपको, पॉइंटर, जीएस पॉइंटर, उसे तो आप ले लीजिए, क्योंकि वो बुक आपको सारे एग्जाम में, रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो ये बुक तो बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसमें यूपीएससी के और बीपीएससी जितने भी पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं सबके क्वेश्चन का यहाँ संकलन होता है, ठीक है, जीएस पॉइंटर में। और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज भी देखने को मिलेगा, यहाँ भी वही होता है, यहाँ लिखा रहेगा कि कौन से ईयर में आया था, पूर्वालोकन में एक एक डिटेल आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और दृष्टि का तो बुक है जो है वो टॉपिक वाइज आप ले सकते हैं, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप इस बुक को लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट के लिए आप एनसीईआरटी बेस्ड दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, आंख बंद करके ले सकते हैं, बहुत अच्छा बुक होता है दोस्तों। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग को इंग्लिश मीडियम के बुक के बारे में जानना होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऐसे आपको जीएस जो घटना चक्र का बुक है वो आपको इंग्लिश मीडियम के लिए भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बेस्ट होता है, ठीक है। मुझे बेस्ट लगता है घटना चक्र और दृष्टि, तो दोनों में से जो भी बुक आपको अच्छा लगे उन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।